This conference will now be recorded. जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बच्चों? अस्सलाम अस्सलाम, यहाँ क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं आप? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र, परफेक्टली फाइन। चलिए लेट्स वेट फॉर अदर टू मिनट्स और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी वैल्यू चेन आज कंप्लीट करेंगे एग्जांपल के साथ और फिर फाइव फोर्सेस मॉडल पे जंप करेंगे। फाइव फोर्सेस मॉडल आज मेरा ख्याल कंप्लीट हो पाएगा, अगर कोई आधी फोर्स रहेगी हम तो फिर इसको इंशाल्लाह मंडे पे कैरी कर लें एंड बट सॉरी कल कैरी कर लें, बट होपफुली कल हम इस चैप्टर को कंक्लूड करके इस चैप्टर के पास पेपर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे एंड इंशाल्लाह मंडे को फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन द मीन टाइम किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो मैं डिस्कस। हाँ ये कल क्वेश्चन पूछा था आपने, एग्जैक्टली एंड करते करते लेक्चर बीच में रह गया था क्वेश्चन, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखें सर्विसेज जो है ना ये पॉइंट ऑफ सेल के बाद शुरू होती है, सर्विसेज स्टार्ट्स आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल। ओके, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है ये प्रोडक्शन के बाद शुरू होते हैं। कल वाली एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस की थी हेयर, ये फोर्थ पॉइंट था आई गेस के थर्ड पॉइंट था मेरे ख्याल ये वाला था ना, दिस वन, हाँ फोर्थ पॉइंट। वैल्यू कैन बी एडेड बाय डिलीवरिंग अ सर्विस और प्रोडक्ट मोर क्विकली। ठीक है, अब मैंने कहा था कि सर्विस सेक्टर के अंदर एक होती है एक्चुअल सर्विस जो आप दे रहे होते हैं और एक होती है पॉइंट ऑफ सेल के बाद जो आप सर्विस देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तो उस वक्त वो जो आपको क्विकली सर्व कर रहा है वो आउटबाउंड में काउंट होगा, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ आउटबाउंड। ठीक है, हाउ क्विकली दे आर एक्चुअली ट्रीटिंग यू हॉस्पिटल के अंदर भी, क्योंकि वो सर्विस जो है वो आपको डिलीवर की जा रही है ना, फिजिकली डिलीवर की जा रही है। बट इफ यू टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, आपने एक चीज परचेज कर ली, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया आपने, कितनी जल्दी वो चीज आपके घर पहुंच जाएगी ये सर्विस में काउंट होगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग है। अरे बात समझ, आप दराज डॉट पीके से कुछ ऑर्डर करते हैं, वो चीज अगर आपके डोर स्टेप पे क्विकली डिलीवर होती है तो दैट इज द आफ्टर सेल सर्विस, पॉइंट ऑफ सेल के बाद वाली सर्विस। बट इफ यू आर गोइंग टू अ बार्बर शॉप टू गेट अ हेयर कट, उस वक्त जो वो क्विकली आपको सर्व कर रहा है दैट इज द सर्विस, वो सर्विस है। क्लियर हो गया? ओके, कल हम बात कर रहे थे सेकेंडरी वैल्यू चेंज के ऊपर। सेकेंडरी वैल्यू चेंज जो है ये सपोर्ट एक्टिविटीज को डिफाइन करती है। सेकेंडरी वैल्यू चेंज वी हैव सपोर्ट एक्टिविटीज और ये जो सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं ये डिटरमिन करती हैं कि वैल्यू इनके थ्रू भी ऐड की जा सकती है। लाइक द सेकेंडरी वैल्यू चेन कैन ऑल्सो बिकम अ रीजन टू एड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने कल डिस्कस किया था हम परचेजिंग के थ्रू वैल्यू एड करते हैं, कैसे? बाय परचेजिंग फ्रॉम चीपर सोर्सेज, by being more cost effective. हम technology के through value add करते हैं, कैसे? by producing high quality products. हम technology के through value add करते हैं, कैसे? by gaining knowledge about our customers. customers के मतलब knowledge gain करके आप value add कर सकते हैं। HR के through आप value add करते हैं by training your employees, developing your employees. क्योंकि employees ने तो पूरे इदारे में हर जगह पे काम करना होता है ना, organization जो है वो हर जगह पे operate करती है। इसी तरह हम कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वैल्यू ऐड करते हैं बाय डेवलपिंग साउंड मैनेजमेंट सिस्टम्स। नहीं फर्क है, देखो
इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, ये डिफाइन करता है फिजिकल, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट. तीन किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. अब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे भी वैल्यू ऐड हो सकती है. ठीक है ना, टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट योर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी बिल्डिंग, आपका प्रीमिसेस, आपकी जो आपकी हायरार्की है. फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपके कैश फ्लोज, ठीक है, द अमाउंट यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन डिफरेंट यू नो प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज. तो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉडली स्पीकिंग हम तीन लेवल पर डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ऑलराइट, क्लियर. अब ये देखें, एग्जांपल्स देखें. ये क्वेश्चन आया था पेपर में 8 मार्क्स का. दिस वाज द क्वेश्चन, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था 8 मार्क्स का. क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताएं सपोर्ट एक्टिविटीज कैसे वैल्यू ऐड करती हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच. हाँ नहीं, वैसे तो फिजिकल को भी इम्प्रूव करने में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल आपकी ये बायोमेट्रिक एंट्री डोर्स के अंदर, वैसे तो फिजिकल को भी इम्प्रूव करने में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है. टेक्नोलॉजी तो आपको हर जगह चाहिए ना. आपने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है उसमें टेक्नोलॉजी का रोल तो होगा ही होगा. अरे विल इट बेटर, आई हैव जूम्ड इट, इज इट्स बेटर ना. ओके, ये क्वेश्चन था एग्जामिनेशन में. ये एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स थे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था कि सपोर्ट एक्टिविटीज जो हैं ये कैसे वैल्यू ऐड करती हैं, हाउ डू दे ऐड वैल्यू. सपोर्ट एक्टिविटीज जो हैं वो वैल्यू किस तरह से ऐड करती हैं. कहते हैं कि सपोर्ट एक्टिविटीज जो हैं दे माइट बी सीन एज नेसेसरी ओवरहेड्स, लेकिन अल्टीमेटली ये भी वैल्यू ऐड करती हैं. दे सपोर्ट प्राइमरी वैल्यू चेन, सो दे आल्सो ऐड वैल्यू इन वेरियस वेज. फॉर एग्जांपल परचेजिंग की वैल्यू कैसे ऐड होगी. परचेजिंग एड्स वैल्यू बाय आइडेंटिफाइंग चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. तो जब आप चीपर सोर्सेज आइडेंटिफाई करेंगे रॉ मटेरियल के, तो इट माइट कंट्रोल योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे वैल्यू ऐड होगी. टेक्नोलॉजी से वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, टेक्नोलॉजी से आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं ऑपरेशंस के अंदर, प्रोड्यूसिंग सुपीरियर प्रोडक्ट्स, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आईटी सिस्टम्स. एचआर कैसे वैल्यू ऐड करता है, बाय ट्रेनिंग पीपल. यू गेट देम ट्रेन्ड, यू गेट देम मोर मोटिवेटेड एंड मोर स्किल्ड. जब स्किल्ड लोग काम करेंगे तो आउटपुट बेहतर होगी, प्रोडक्शन बेहतर होगी. इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वैल्यू ऐड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है. आपका जो बिजनेस है उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एफिशिएंट हो जाते हैं. ठीक है ना, तो दिस वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन वर्थ 8 मार्क्स. एग्जैक्ट क्वेश्चन था 8 नंबरों का कि किस तरह से इदारे वैल्यू ऐड करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनाइजेशंस ऐड वैल्यू थ्रू देयर सपोर्ट एक्टिविटीज. तो आपने ये सारी एक-एक एग्जांपल देनी थी. ठीक है, और एक अच्छी अटेम्प्ट ये होती है कि आप उसमें फिर ब्रीफली आप पहले सपोर्ट एक्टिविटीज को एक-एक लाइन में बता भी दें, एंड देन विद एग्जांपल यू हैव टू जस्टिफाई कि वैल्यू कैसे ऐड हो रही है. और ये क्वेश्चन अभी रीसेंट पास्ट का क्वेश्चन है, आई गेस मार्च, आई गेस ये सितंबर, सितंबर 17 का क्वेश्चन है ये. आई एम नॉट श्योर, कल आपको बताऊंगा जब हम पास्ट पेपर रिव्यू कर रहे होंगे. मेरा ख्याल है सितंबर 17 का ये क्वेश्चन है, बट हम वो कल देखेंगे इंशाल्लाह. तो वैल्यू ऐड करने के डिफरेंट वेज होते हैं, वैल्यू ऐड करने के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं. वैल्यू ऐड होती है थ्रू वेरियस मैकेनिज्म एंड वेरियस वेज. उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज वैल्यू ऐड करती हैं बाय मेकिंग श्योर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जिन जिन चैनल से गुजर रहा है, हर चैनल में बनो के वैल्यू ऐड कर रहा है, सुपीरियॉरिटी लेके आ रहा है. और सेकेंडरी वैल्यू चेन चूंकि सपोर्ट कर रही होती है प्राइमरी वैल्यू चेन को, उसके थ्रू भी आप वैल्यू ऐड कर देते हैं, उसके थ्रू भी आप वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं. गॉट इट. सो यहाँ पे हमारा वैल्यू चेन का जो क्वेश्चन है, जो मॉडल है, वो खत्म हो जाता है. वैल्यू चेन में प्राइमरी और सेकेंडरी ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, तो ओवरऑल एक ही क्वेश्चन तो नहीं आ सकता इसके अंदर, मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो इसमें अपेयर होंगे. और या प्राइमरी पे सवाल आएगा या सेकेंडरी पे आएगा, इट्स क्वाइट अ लेंथी टॉपिक. तो इसके अंदर
आप एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फाइव फोर्सेस। फाइव फोर्सेस क्या होती हैं? माइकल पोर्टर ने किताब लिखी जिसमें इसने इंडस्ट्री कंपेटिटिवनेस को डिस्कस किया। हमने बल्कि कल भी बात की थी, ये पॉइंट आप याद करें, हमने ये कल ही डिस्कस किया था कि प्रॉफिट्स अर्न करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव हो। अगर जिस इंडस्ट्री में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं वो अगर आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है तो यू विल डेफिनेटली बी गेनिंग हाई प्रॉफिट्स। हाउ टू मेजर कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं? आज अगर आप अपना बिजनेस, फास्ट फूड बिजनेस, मैकडोनल्ड अगर पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे हैं आज की डेट में, तो सबसे पहले तो वो पेस्टल मॉडल अप्लाई करेंगे ना। पेस्टल अप्लाई करके देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल फास्ट फूड जो है, मतलब ओवरऑल यहाँ के पोलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स कैसे हैं। फिर इससे अगली स्टेज जो होती है दैट इज फाइव फोर्सेज मॉडल। फिर वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मेजर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फास्ट फूड का जो बिजनेस है वो कितना कामयाब है। माइकल पोर्टर ने किताब लिखी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट की, इसमें ये एक मॉडल डिस्कस करता है टू एनालाइज द कंपेटिटिवनेस ऑफ एन इंडस्ट्री और अ मार्केट। पाकिस्तान में फास्ट फूड का बिजनेस कितना कामयाब है ये अंदाजा कैसे लगेगा? ओवरऑल पाकिस्तानी इकोनॉमी सपोर्टिव है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो सपोर्टिव हैं, सोशियो डेमोग्राफिक वैल्यूज हैं, कस्टमर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर कंपटीशन के हिसाब से मैयर किया जाए तो हाउ वुड यू मैयर के डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना है फास्ट फूड चेन के अंदर इन पाकिस्तान? इसके लिए फिर हम फाइव फोर्सेज मॉडल यूज करते हैं। तो फाइव फोर्सेज मॉडल का पर्पज ये होता है दैट यू ट्राई टू एनालाइज कंपेटिटिवनेस इन एन इंडस्ट्री। आप एक इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और इसमें हम फाइव फोर्सेस के थ्रू ये मेजर करते हैं कि एक इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है। लाइक आज अगर आप उस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हाउ मच प्रॉफिटेबल यू कैन गेट। इफ टुडे यू स्टार्ट योर बिजनेस इन सम इंडस्ट्री, आप उसमें कितने प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंपेटिटर्स इन एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में कितने नंबर ऑफ कंपेटिटर्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। So, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई टू मेजर कंपेटिटिवनेस इन एन इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट ड्राइव दिस कंपेटिटिवनेस। तो माइकल पोर्टर कहते हैं कि ये पांच फोर्सेस हैं जो ड्राइव करती हैं इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस को। देर आर फाइव फोर्सेस दैट ड्राइव इंडस्ट्री कंपेटिटिवनेस। थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंस, किसी इंडस्ट्री में नए आने वालों का थ्रेट कितना हाई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फास्ट फूड तो कोई भी चला सकता है ना, कोई भी खोल सकता है, लोकल चेन्स भी होंगी, तो इसका मतलब है कि न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट बहुत हाई है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। कस्टमर अगर फास्ट फूड नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? बेशुमार सब्स्टिट्यूट्स हैं, देसी फूड खा लेगा, कोई कुछ और खा लेगा, कोई कॉन्टिनेंटल खा लेगा, कुछ भी खा लेगा, रेडी से खड़ा होके छिड्डा खा लेगा, कुछ भी खा सकता है ना कस्टमर। इसी तो सब्स्टिट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं। आप पानी नहीं पियेंगे, पानी के सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं? पानी का सब्स्टिट्यूट पेप्सी है, कोका कोला है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, पानी का सब्स्टिट्यूट जूसेस हैं। तो आप पानी नहीं पियेंगे, प्यास ही बुझानी है ना, जूस पी लेंगे। हाँ, कीमे वाला नान खा लेगा, एग्जैक्टली। पिज्जा नहीं खाएगा, कीमे वाला नान खा लेगा, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड। इसी तो सब्स्टिट्यूट भी बहुत ज्यादा है, जितने सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं उतना कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है और उतनी इंडस्ट्री कम अट्रैक्टिव हो जाती है। फिर सप्लायर के पास कितनी पावर है बार्गेन करने की, यानी जो आपके सप्लायर हैं रॉ मटेरियल के वो कितने स्ट्रांग हैं, ये डिपेंड करता है कि सप्लायर्स कितने कम हैं, नंबर वन। नंबर टू ये डिपेंड करता है कि सप्लाइड प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितने सप्लायर्स कम होंगे या जितना सप्लाइड प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उतनी सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। सप्लायर वुड हैव मोर पावर टू बार्गेन, वो आपसे अपनी शर्तों पर चीज बेचेगा। इसी तरह कस्टमर के पास जितनी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, कस्टमर के पास जितनी चॉइसेस होंगी, कस्टमर की भी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, कस्टमर भी आपसे अपनी शरायत पे चीज मांगेगा। और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये सेंट्रल डिपेंड करते हैं राइवलरी के ऊपर। ऑल दीज फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन राइवलरी। राइवलरी कहते हैं कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन को, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन को। पेप्सी एंड कोक आर राइवल्स, पेप्सी और कोक राइवल्स हैं, ठीक है ना।
एक्वाफीना एंड किनले या जो अब दाखिल दासानी है, ये राइवल्स हैं. तो राइवल कहते हैं आप कितना क्लोजली कम्पीट कर रहे हैं दूसरे के साथ, हाउ क्लोजली यू आर कम्पीटिंग विद ईच अदर. यानी आप ये डायग्राम, अच्छा एक 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 चीज याद रखिएगा, वेन एवर यू आर बिल्डिंग अ मॉडल, जब भी आप किसी का बताया हुआ मॉडल बिल्ड कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए. अगर आप फाइव फोर्सेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस ऐसे ही आना चाहिए. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऊपर आ जाए, न्यू एंट्रेंस नीचे आ जाए. ये फोर्सेस ऐसे ही रहेंगी, पोटेंशियल एंट्रेंस पहले आएगा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट बाद में आएगा, बार्गेनिंग ऑफ सप्लायर थर्ड फोर्स है, ये फोर्स है, ये पांचवी फोर्स है. और ये डायग्राम भी ऐसे ही रहनी चाहिए. अगर आप ये डायग्राम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दिस डायग्राम शुड नॉट चेंज. ये डायग्राम जो है ये ऐसे ही रहनी चाहिए. पोटेंशियल एंट्रेंस यहाँ पे है, सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे हैं, सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर यहाँ पे है, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर यहाँ पे, और ये सारी फोर्सेस सेंटर में कन्वर्ज हो रही है राइवलरी के ऊपर. सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अक्सर स्टूडेंट है इसको ओवरलुक कर जाते हैं. एंड दैट इज कि वो सीक्वेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते. ठीक है ना, तो जब आप किसी मॉडल को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये तमाम के तमाम चीजें ऐसे ही आ जाएं. फाइव फोर्सेस मॉडल में एक रूल ऑफ थंब ये है, वो रूल ऑफ थंब ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक फोर्स स्ट्रांग होगी, तो वो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को वीक कर देगी. रिमेंबर दैट. हाँ, फिर एग्जामिनर उन स्टूडेंट्स को ओवरलुक कर देता है, गलतियों को ओवरलुक नहीं करता, स्टूडेंट्स को ओवरलुक कर देता है. अगर इनमें से कोई भी फोर्स वीक होगी, स्ट्रांग होगी, तो ये इंडस्ट्री को अनअट्रैक्टिव बना देगी, बिजनेस के लिए डोमिनेंट पोजीशन गेन करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, एक वक्त में इन पांचों फोर्सेस का वीक होना जरूरी है टू मेक एन इंडस्ट्री मोर अट्रैक्टिव, टू मेक एन इंडस्ट्री मोर अट्रैक्टिव. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कम है, सब्स्टिट्यूट्स कम है, बार्गेनिंग पावर सप्लायर की कम है, कस्टमर की कम है, तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी. ठीक है ना, सो लेट्स गो थ्रू दिस फोर्सेस वन बाय वन. अभी तक फाइव फोर्सेस में से एक क्वेश्चन आया है, एंड दैट वाज टू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बीएमबीएस की, जो पहली अटेम्प्ट थी सितंबर 2014, उसमें एक क्वेश्चन आया था, एंड दैट वाज ओनली फ्रॉम दिस थ्रेट पोटेंशियल एंट्रेंस, एंट्री बैरियर्स पे क्वेश्चन था. देखिए, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 25th अक्टूबर को लेक्चर हुआ नहीं था बेटा, नो लेक्चर ऑन 25th. परसों है ना, आई गेस परसों थी ना, 24th को नहीं हुआ था. हाँ, कल 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 हाँ कल तो हुआ था, ऐसा अपलोड हो जाना चाहिए. चले मैं आई टॉक टू द कोऑर्डिनेटर. अच्छा कल वाले, हाँ नहीं कल तो हमने क्लास ली थी, बिल्कुल ली थी. चले आई चेक इट, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, देख लेते हैं, कोई नहीं हो जाएगा. सो बात हो रही है पोटेंशियल एंट्रेंस की. देखें, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ना, There are like two types of barriers. एक इंडस्ट्री में दो किस्म के बैरियर्स होते हैं, एक होते हैं एंट्री बैरियर्स और एक होते हैं एग्जिट बैरियर्स. एंट्री बैरियर्स डिफाइन करते हैं कि एक इंडस्ट्री में जंप करना कितना मुश्किल है, और एग्जिट बैरियर्स डिफाइन करते हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर, एक इंडस्ट्री से बाहर निकलना कितना मुश्किल है, कितना आसान है. How easy it is to jump on the industry and how difficult it is to get in or get out of the industry. Ideal case scenario mein, in an ideal case scenario, ek industry ke andar, just ek minute, let me just show you a diagram. जी एसन, आपका क्वेश्चन है.
जितनी ज्यादा फोर्स वीक होती जाएंगी एग्जैक्टली उतनी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होती जाएगी. देखो ना, पानी का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है मार्केट में. देर इज फ्यूअर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. लोगों की मजबूरी है पानी पीना. पोटेंशियल एंट्रेंस मिनरल वाटर मार्केट में कोई और आ ही नहीं सकता. इतने हाई एंट्री बैरियर्स हैं. आपकी उसमें मोनोपोली बन जाएगी. सप्लायर्स जो हैं उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम है क्योंकि नंबर ऑफ सप्लायर्स ही बहुत ज्यादा है. आप एक से परचेज नहीं करेंगे, अपना रॉ मटेरियल किसी और से परचेज कर लेंगे. यानी सारी फोर्सेज अगर कलेक्टिवली वीक होंगी तो इंडस्ट्री को हम अट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहेंगे. इफ ऑल द फोर्सेस आर कलेक्टिवली वीक, हाँ अगर एक फोर्स भी स्ट्रांग हुई तो उसका इम्पैक्ट बाकी सारी फोर्सेस पे आएगा. रिमेंबर दैट, अगर एक भी फोर्स स्ट्रांग होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी सारी फोर्सेस पे आता है. ठीक है ना. अगर लेट्स से दिस इज अ पूल ऑफ इंडस्ट्री, ये पूल है इंडस्ट्री का, ये एंट्री बैरियर्स है और ये एग्जिट बैरियर्स है. ठीक है. एंट्री बैरियर जितने हाई होंगे उतना इंडस्ट्रीज के अंदर जंप करना मुश्किल होगा. इट वुड बी डिफिकल्ट. ठीक है. बहुत सारे इदारे जंप करने की कोशिश करेंगे लेकिन जंप नहीं कर पाएंगे. तो यू यू मस्ट बी यू नो वेरी कंपेटिटिव. यू मस्ट बी हैविंग वेरी हाई लेवल ऑफ कैपिटल टू जंप इन द इंडस्ट्री. यानी अगर एक इंडस्ट्री के एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा हैं, बहुत हाई हैं, तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी. पुटिंग इट सिंपल. ठीक है. जितने लो एंट्री बैरियर्स होंगे इंडस्ट्री उतनी अनअट्रैक्टिव होगी. लोअर द एंट्री बैरियर्स, ठीक है, डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर अ न्यू प्लेयर टू हैव अ सस्टेन्ड मार्केट पोजीशन, क्योंकि इंडस्ट्री उतनी आपके लिए अनअट्रैक्टिव हो जाएगी. अब ये एंट्री बैरियर्स आते कहाँ से हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके ख्याल में एक छोटी सी रिटेल आउटलेट खोलना आसान है, बिजनेस चलाना, या टेलीकॉम सेक्टर में टेलीकॉम कंपनी खोलना आसान है? और डू यू थिंक इजी टू ऑपरेट अ टेलीकॉम बिजनेस और अ रिटेल आउटलेट? रिटेल आउटलेट खोलना आसान है, परफेक्ट. क्या है, चंद लाख ही है ना, अ फ्यू लाख रुपीज स्मॉल आउटलेट इन्वेस्टमेंट करेंगे. लेकिन टेलीकॉम कंपनी खोलने के लिए आपको मिलियन बिलियन ऑफ रुपीज चाहिए. तो इट मीन्स पहला एंट्री बैरियर तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई. पहला एंट्री बैरियर तो आपके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई. जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे या जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी एक बिजनेस को चलाने के लिए, उतना एंट्री बैरियर हाई हो जाएगा. जैसे तो कंपटीशन जो होता है एक मार्केट में, दैट इज अफेक्टेड बाय थ्रेट ऑफ न्यू बिजनेस एंटिटीज कमिंग इनटू द मार्केट एंड एडिंग टू कंपटीशन. जब नए आने वाले फेयरली इजीली आ जाते हैं मार्केट में विदाउट एनी डिफिकल्टी, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट विल बी लो, ऑब्वियसली जो कि कॉम्पिटिशन होगा. जी, टेक्नोलॉजी भी बैरियर है. एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी भी बैरियर है. अपने आगे जाकर देखते हैं ना, अभी एक पूरी लिस्ट आ रही है एंट्री बैरियर्स. इसमें टेक्नोलॉजी भी है, इसमें कैपिटल भी है, इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल, इसमें स्केल इकोनॉमीज भी हैं, सब कुछ है. सो जब एंट्री बैरियर्स लो होते हैं तो इट बिकम्स इजी फॉर द न्यू एंट्रेंट्स टू जंप इन द इंडस्ट्री. प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी लो. अगर आप प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक इंडस्ट्री में, तो नए इदारे टेम्प्ट होंगे, वो दोबारा आएंगे इंडस्ट्री में. अगेन कॉम्पिटिशन विल फोर्स द प्राइसेस डाउन एंड द प्रॉफिट मार्जिन. जैसे फास्ट फूड सेक्टर देख लें, अब इतनी लोकल चेन्स खुल चुकी हुई है और बड़ी क्लोजली कम्पीट कर रही है आपस में. क्योंकि फास्ट फूड बिजनेस खोलना आसान है. आपको चंद लाख रुपए चाहिए फास्ट फूड बिजनेस को खोलने के लिए. ठीक है, तो उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया. फर्म्स ट्राई टू रेज द एंट्री बैरियर. दैट इज वाई फर्म्स ट्राई टू रेज द एंट्री बैरियर. हाँ एग्जैक्टली, इट इज मोर और लेस द सेम कॉन्सेप्ट. इफ एंट्री बैरियर्स आर लो, मार्केट लीड्स टूवर्ड्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन. बिल्कुल सही कह रही. अगर एंट्री बैरियर्स लो होंगे तो अल्टीमेट इसका जो एंड रिजल्ट होगा दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वेयर देयर इज हाईली इलास्टिक डिमांड. अ स्लाइट चेंज इन प्राइस विल लीड टू अ रिमार्केबल चेंज इन डिमांड. यही था ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर. एग्जैक्टली, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, एग्जामिनेशन क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स करने थे. द क्वेश्चन इन द पेपर वाज ऑन फोर एंट्री बैरियर्स. कंपेटिटिव फोर्सेस रिड्यूस हो जाती हैं जब नए आने वालों के लिए इंडस्ट्री में जंप करना मुश्किल होता है. इन अदर वर्ड्स एंट्री बैरियर्स आर हाई. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एंट्री बैरियर्स को हाई रखते हैं. पहला एंट्री बैरियर है स्केल इकोनॉमीज. कुछ एंट्री बैरियर्स
इंडस्ट्री में ऑलरेडी मौजूद ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल में होते हैं और कुछ एंट्री बैरियर्स हैं वो कंट्रोल में नहीं होते. देर आर सम एंट्री बैरियर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय द इंडस्ट्रीज बाय द प्लेयर इन द इंडस्ट्रीज जैसे स्केल इकोनॉमीज हैं. अब जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं अगर वो स्केल इकोनॉमीज को अचीव कर लेते हैं तो फिर नए आने वाले के लिए मुश्किल होगा उस लो कॉस्ट पे ऑपरेट करना. ये आपने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के अंदर. इकोनॉमीज क्या होती हैं? दैट यू ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन लार्ज क्वांटिटीज. जब आप बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल है, आप देखें हाइपर स्टार ने लार्ज स्केल रिटेलिंग में एंट्री बैरियर लगा दिया. कैसे? स्केल इकोनॉमीज पे ऑपरेट करते हैं ना, उन्होंने इतनी ज्यादा स्केल इकोनॉमी अचीव कर ली हुई है कि उनके नहीं करते. हाइपर स्टार ऑपरेट ऑन नाउ स्केल इकोनॉमीज. इतनी लार्ज क्वांटिटीज में वो परचेज करता है कि वो स्पेशल डिस्काउंट्स मांगता है फिर सप्लायर से, और वो स्पेशल डिस्काउंट फिर वो आगे कस्टमर को भी देता है. तो कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिकली फिर खुश होकर हाइपर स्टार से परचेज करता है. ठीक है ना? सो जब एंट्री बैरियर्स में आप स्केल इकोनॉमीज हाई कर देते हैं, इट मीन्स दैट यू हैव अचीव्ड सब्सटेंशियली लोअर कॉस्ट देन योर स्मॉलर कंपेटिटर्स. हाँ बिल्कुल. अदर प्लेयर्स फिर वो प्रीडेटरी प्राइसिंग और टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. क्योंकि अगर आप इतने बड़े प्लेयर नहीं है मार्केट में कि आप स्केल इकोनॉमीज को अचीव कर सकें, तो यू विल नेवर बी एबल टू कंट्रोल योर एवरेज कॉस्ट. एंड वेन योर एवरेज कॉस्ट विल बी हाई देन दोज ऑफ एग्जिस्टिंग लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स, यू विल हैव नो प्लेस इन द मार्केट. नो बडी विल कम एंड परचेज फ्रॉम यू. ठीक है? तो इसीलिए इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री बैरियर बढ़ाने के लिए जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू ऑपरेट एट अ लार्जर स्केल, दे ट्राई टू ऑपरेट एट अ बिगर स्केल, बल्क में डील करते हैं ताकि वो एंट्री बैरियर बढ़ा दें. अब दैट इज वन ऑफ द एंट्री बैरियर जो कि कंट्रोलेबल है, जो कि इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाले प्लेयर्स खुद कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द एंट्री बैरियर दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री. ठीक है? इसी तरह कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. अब ये इंडस्ट्री की नेचर पे डिपेंड करता है. बाज इंडस्ट्रीज जो है वो बड़ी महंगी होती हैं, उनमें ऑपरेट करना यू नो रिमार्केबल कॉस्टली होता है. और बाज इंडस्ट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एकेडमिया की मिसाल ले लें. एक अकेडमी खोलना इस घर के ड्राइंग रूम में, इसमें ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड होगा, या फिर एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री लगाना, इसमें पैसा ज्यादा रिक्वायर्ड होगा. ऑब्वियसली एकेडमी सस्ती है ना. ऑटोमोबाइल मैंने मैंने क्वेश्चन किया था पैसा ज्यादा कहाँ रिक्वायर्ड होगा. ऑटोमोबाइल में रिक्वायर्ड होगा ऑब्वियसली, पैसा ज्यादा ऑटोमोबाइल में रिक्वायर्ड होगा. अकेडमी तो आप घर के ड्राइंग रूम में भी खोल सकते हैं ना. यू कैन जस्ट ओपन द अकेडमी इन योर होम ड्राइंग रूम में खोल सकते हैं. क्या पैसा चाहिए आपको? चंद हजार चाहिए, एक ब्लैक बोर्ड लेके आने, व्हाइट बोर्ड लेके आने, मार्कर लेके आने, कुछ चेयर्स लेके आने, दैट्स इट. लेकिन अगर आपने गाड़ी असेंबली प्लांट लगाना है तो आपको अरबों रुपये चाहिए. तो बाज इंडस्ट्रीज की नेचर पर डिपेंड करता है कि उनमें पैसा कितना चाहिए होगा. दैट इज समथिंग विच यू कांट कंट्रोल. स्केल इकोनॉमी आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बल्क प्रोड्यूस करेंगे. बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर जो रिक्वायरमेंट है, ये इंडस्ट्री का अपना बैरियर है. ये एक इंडस्ट्री का अपना बैरियर है. ठीक. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री इट डिपेंड्स कि उसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क कितना हाई है. जितना इन्वेस्टमेंट रिस्क हाई होगा उतना ये वाला जो एंट्री बैरियर है वो हाई हो जाएगा. ठीक है? और जितना इन्वेस्टमेंट रिस्क लो होगा उतनी अट्रैक्टिव होगी इंडस्ट्री. क्योंकि देखे ना उसमें आपका लॉस कम से कम है ना. अगर आप कामयाब नहीं ही भी हो पाते उस बिजनेस में तो आपका नुकसान कितना होगा. सो व्हेन द लॉस इज लो तो रिस्क बढ़ जाता है. ठीक है? जब लॉस लो होता है तो रिस्क बढ़ जाता है. देन वी हैव एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी स्ट्रांग है. इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आती है कोका कोला की. अभी अभी आपके अपने कंट्रोल में कोका कोला हैज द वाइडेस्ट नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब. अराउंड 10,300 सर्विंग्स पर सेकेंड दुनिया में होती है कोक की. एक सेकेंड गुजरता है दुनिया में तो कोक 10,300 जगह सर्व हो जाती है. क्योंकि कोक का नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाइडेस्ट है पूरी दुनिया में.
कोई और अगर सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है तो वो कोक को इसलिए कम्पीट नहीं कर पाएगी कि वो कोक जितना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप नहीं कर सकते। दे वुड बी हैविंग प्रॉब्लम। आप देखें ना, घर से बाहर निकलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर, ग्रॉसरी स्टोर से लेकर, मेडिकल स्टोर से लेकर, पान के खोखे से लेकर, कहाँ कोक नहीं मिलती आपको। यू यू फाइंड कोका कोला एवरीवेयर, ऐसे ही है ना, बिकॉज दे हैव द वाइडेस्ट नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना एक इदारा अपना नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा लेगा, नए आने वाले के लिए उतनी दुश्वारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि नए आने वाले के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा उतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना। सो द न्यू एंट्रेंट विल हैव डिफिकल्टी इन गेन एक्सेस टू एनी ऑफ दीज नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अल्टीमेटली एंट्री बैरियर्स को हाई कर देंगे। सो यहाँ पे आप कोक की एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। कोका कोला जो है, दे हैव द वाइडेस्ट नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ, पाकिस्तान में तो नहीं खैर सस्ती पानी से कोक, लेकिन हाँ यस, इन अमेरिका, इन यूरोप, वाकई पानी से सस्ती है कोक। नॉट नेसेसरली, नॉट एवरी रेस्टोरेंट हैव पेप्सी। हाँ, पिज्जा हट, चूंकि पेप्सी का अलायंस है, पेप्सी की सिस्टर कंसर्न है पिज्जा हट, तो पिज्जा हट पे आपको पेप्सी मिलती है। पिज्जा हट पे यू नेवर गेट कोका कोला, ठीक है, ये अलायंस ही। KFC पे आपको पेप्सी मिलती है, KFC और पेप्सी का अलायंस है, ठीक है, यहाँ पेप्सी मिलती है। मैकडॉनल्ड्स में कोक मिलती है, पेप्सी मिलती है, गैस कोक मिलती है मैकडॉनल्ड्स में, आई एम नॉट श्योर। हार्डीज पे कोक मिलती है, हार्डीज में आपको कोक मिलती है, ठीक, हाँ मैकडॉनल्ड में कोक मिलती है, एग्जैक्टली। नहीं, पाकिस्तान में ऑब्वियसली सॉफ्ट ड्रिंक आर नॉट चीपर देन वाटर। पानी की हाफ लीटर की बॉटल कितने की आती है? लाइक 30 रुपीज की। और सॉफ्ट ड्रिंक कितने का आती है? क्या आती है? 40 रुपीज की। लेकिन इंटरनेशनली, इंटरनेशनली यस यू आर राइट, इंटरनेशनली पानी महंगा है, कोक सस्ती है। मैं वही तो कह रहा हूँ बेटा, पानी से सस्ती नहीं है इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली है। इंटरनेशनली वाटर इज एक्सपेंसिव। हाँ, पानी पे, एग्जैक्टली, पानी पे भी डिपेंड करता है। फीजी एक्सपेंसिव है, सही कह रही है। नहीं, रॉ मटेरियल तो पानी है, लेकिन वो पानी मिनरल वाटर नहीं है, वो पानी जो है वो आपका रॉ या कोई और वाटर होगा, प्लेन वाटर होता है वो, प्योरीफाइड वाटर नहीं, जिसपे एक प्लांट लगा के आप स्पेशली प्योरीफाइड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। आपके ख्याल में कोका कोला जो है वो अपने बॉटलिंग प्लांट में जहाँ पानी यूज करता है, वो पानी एक्वाफिना यूज करता होगा? डू यू थिंक कि वो, क्या वो दसानी, सॉरी दसानी यूज करता होगा? नेवर, ठीक है ना, वो जो पानी इस्तेमाल करते हैं दैट इज नॉट प्रोसेस्ड वाटर, ठीक। ओके, अगला जो फैक्टर है वो है नो हाउ। अच्छा, एक ऑडिट फर्म खोलना आसान है या एक छोटी सी रिटेल शॉप खोलना आसान? नो हाउ कहाँ पे ज्यादा रिक्वायर्ड? हाँ, शॉप खोलना आसान, ऑडिट फर्म के लिए बहुत नो हाउ चाहिए ना, स्पेशलाइज स्किल चाहिए। नवीद, मैं आता हूँ आपके भी क्वेश्चन पे, अभी मैं आता हूँ आपके सवाल। ऑडिट फर्म खोलना मुश्किल है, ठीक है, ऑडिट फर्म के लिए आपको स्पेशल नो हाउ चाहिए, स्पेशल एक्सपीरियंस लोग चाहिए। एक आउटलेट के लिए कौन चाहिए? कोई भी नहीं। आउटलेट के लिए एक बंदा चाहिए जिसने बैठ के सिर्फ सेल परचेज करनी है, दैट्स इट। यू डोंट नीड एनी स्पेशलाइज नॉलेज टू मैनेज रिटेल आउटलेट। आउटलेट को चलाने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज शायद नहीं चाहिए, यू नीड मोर स्पेशलाइज नॉलेज टू मैनेज एन ऑडिट फर्म, ठीक है ना। हाँ, छोटू बहुत है आउटलेट के लिए। प्रोसेस्ड वाटर नवीद कहते हैं जैसे, या जो आप मिनरल वाटर पीते हैं दैट इज प्रोसेस्ड वाटर ना, इसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसका नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है, इसके थ्रू हम पानी में आर्टिफिशियल मिनरल कंटेंट ऐड कर देते हैं। ये जो हम मिनरल वाटर पीते हैं, ये एक्चुअली मिनरल वाटर नहीं होता, इट्स नॉट मिनरल वाटर, ठीक है, इट इज नॉट मिनरल वाटर। असल मिनरल वाटर अगर पाकिस्तान में कोई आता है तो वो एक ही है, वाहिद, दैट इज स्प्रिंग लेक। ये असल चश्मे का पानी जो रॉक मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, चश्मे का पानी है ना, दैट इज मिनरल वाटर। मिनरल वाटर का कॉन्सेप्ट ये है कि पानी जब पिघलता है ग्लेशियर से, ऑल द वे ट्रेवल करता है पहाड़ों पे, और चश्मे तक आते आते पानी बहुत सारे रॉक मिनरल्स एब्जॉर्ब कर चुका होता है अपने अंदर, ये होता है मिनरल वाटर। जिसे हम मिनरल वाटर कहते हैं दैट इज नॉट मिनरल वाटर, दैट इज प्योरीफाइड वाटर, ठीक है, और यू कैन से दैट कि आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड मिनरल वाटर। ऑलराइट, स्प्रिंगले कर्षी का है यार, इट्स अ कर्षी ब्रांड, मिलता है बाजार से,
दुकान पे मिलता है ऑब्वियसली. थैंक यू सो मच. ऐसा वी डिडंट नो कि दुकान पे मिलता है. थैंक यू वेरी मच. ओके सो यस इट इज अवेलेबल. हाँ लेकिन उसकी मार्केट थोड़ी सी नैरो है. उसकी मार्केट थोड़ी सी नैरो है. इट्स नॉट एज इजीली अवेलेबल एज दासानी और कॉफीना और नेस्ले. चले आप ढूंढिएगा स्प्रिंगले, कृषि का ब्रांड है. पता नहीं आपके शहर में अवेलेबल है या नहीं. लाहौर में तो है स्प्रिंगले. दिस इज अगर आपने प्योर चश्मे का पानी पीना है तो स्प्रिंगले जो है दैट इज प्योर मिनरल वाटर, जो कि ऑल द वे ये लेके आते हैं माउंटेन एरिया से. इट्स अ ब्रांड ऑफ कर्शी, कर्शी का ब्रांड है जिसका जोहर जोशांदा पीते हैं. ओके स्विचिंग कॉस्ट एक और एंट्री बैरियर है. स्विचिंग कॉस्ट डिफाइन करती है कि बायर के लिए प्रोडक्ट स्विच करना कितना आसान या कितना मुश्किल है. जितनी स्विचिंग कॉस्ट लो होगी उतनी एंट्री बैरियर्स लो होंगे. हाँ यस इट इज अबिट एक्सपेंसिव देन नेस्ले एंड कॉफीना. मैं ख्याल इसकी शायद हाफ लीटर बॉटल 50 रुपीज़ की, आई एम नॉट श्योर. मैं ख्याल 40-50 रुपए की, इतना महंगा भी नहीं है. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं कि कस्टमर पानी नहीं पिएगा. लेट्स से आप रेस्टोरेंट जाते हैं ना, खाना ऑर्डर करते हैं, तो नॉर्मली हमारी जबान पे वर्ड चढ़ा रहा है कोक का. तो क्या कहते हैं यार कोक ले आओ, तो वो जो वेटर है वो कहते हैं सर सॉरी कोक नहीं है, पेप्सी अवेलेबल है. तो क्या आप रेस्टोरेंट छोड़ जाते हैं? डू यू लीव द रेस्टोरेंट? नहीं नहीं ना, आपका जवाब क्या होता है? पेप्सी ले आओ. यू यू से चलिए पेप्सी ले आओ. इट मीन्स कि स्विचिंग कॉस्ट बहुत लो है. स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी लो. यू कैन वेरी इजिली स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू द अदर प्रोडक्ट. लेकिन अगर एक जो भी है बस ले आओ. लेकिन अगर एक कंपनी किसी एक ऑडिट फर्म के साथ काम कर रही है और उसको कोई और ऑडिट फर्म आके प्रपोजल देती है, तो वो कंपनी इतनी आसानी से स्विच नहीं करेगी नई ऑडिट फर्म के ऊपर. ठीक है, वो नई ऑडिट फर्म पे स्विच नहीं करेगी. मुश्किल है. स्विचिंग कॉस्ट वेरी हाई. तो अगर स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है तो एंट्री बैरियर भी हाई है. आसानी से नया आने वाला कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकता. हाँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेंसिटिविटी बहुत हाई है. बिल्कुल मनाल, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. सॉरी मनाहिल, क्या पूछ रही हैं आप? वेयर डू वी सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन ऑफ व्हाट? किस चीज की सब्सक्रिप्शन? ये इसकी वेबसाइट विजिट कर लेना यार. आप ऐसा करें ना, आप करशी.com पे जाएं ना जरा. चलें लेट्स, चलें आपके साथ मैं भी एक्सप्लोर कर लूँ कि करशी का स्प्रिंगले जो है. ओके लेट्स एक्सप्लोर. हाँ 180 पर 90 मीटर एग्जैक्टली. मगर ऑनलाइन हो गए इसकी बारे में सब्सक्रिप्शन. हाँ अच्छा हाँ यस, सब्सक्रिप्शन पे फिर स्विचिंग कॉस्ट हाई होती है. बिल्कुल, अगर आपने कुछ सब्सक्राइब किया हुआ है देन दूसरे पर ट्रांसफर करने में आपको ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है. यस यू आर राइट राइट. इसीलिए तो देखे ना, ये जो बॉटल्ड वाटर है ये आपको पानी की बोतल दे देते हैं ना, तो पैसे लेके ये आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो बुक कर देते हैं. दे गेट योर सब्सक्रिप्शन. ठीक है सिमिलरली गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं बहुत सारी. अब ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, यू कांट कंट्रोल इट. बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस बड़ी स्ट्रांग होती हैं. पेटेंट्स एग्जैक्टली. एक पेट्रोल पंप लगाने के लिए आपको गवर्नमेंट से बहुत सारे एनओसीज लेने पड़ते हैं. यू हैव टू टेक सो मेनी एनओसीज टू इंस्टॉल अ पेट्रोल पंप. ठीक है, और एक लेट्स से कोई एकेडमी खोलने के लिए यू डोंट नीड एनी लाइसेंस. ठीक है, अगर आपने एक कॉलेज खोलना है अकाउंटेंसी का तो आपको आईकैप से उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर होना पड़ेगा आईकैप से. ठीक है ना, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन जो होती हैं ये भी एंट्री बैरियर्स हाई कर देती हैं कि हर कोई उस इंडस्ट्री में फिर ऑपरेट नहीं कर सकता. बिकॉज देन यू हैव टू मीट सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट. फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज की गई कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है. ठीक है, तो ये कुछ एंट्री बैरियर्स हैं और एग्जैक्टली इसके ऊपर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था.
सो एंट्री बैरियर जितने हाई होंगे थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंट्स उतना लो होगा, वाइस वर्सा, एंट्री बैरियर जितने लो होंगे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स उतना हाई होगा, अल्टीमेटली इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस उतनी लो हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी. तो ये स्टेटमेंट करके नोट ही कर लें, स्टेटमेंट में टाइप कर दूँ आपके लिए, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट. हायर द एंट्री बैरियर लोअर विल बी द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स अल्टीमेटली higher will be the attractiveness of the industry. Alhamdulillah, agar aa gayi hai unki shamat to that's very good and vice versa. Lower the entry barriers, higher will be the threat of new entrants. Ultimately, higher will be the attractiveness of the industry. ठीक है. सो ये बड़ा सिंपल सा रूल ऑफ थंब है जो अप्लाई होता है यहाँ पे. गॉट इट. ओके, नेक्स्ट फोर्सेस थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो सेम नीड्स को सेटिस्फाई करें. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स दैट कैन सेटिस्फाई द सेम नीड. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट डिफरेंट इंडस्ट्री का भी हो सकता है, डिफरेंट मार्केट्स का भी हो सकता है. पेट्रोल एंड सीएनजी आर सब्स्टिट्यूट्स. कोका कोला एंड Nestle Pure Life are substitutes. CA and MBBS are substitutes. ठीक है, सारे substitutes होते हैं. Like need common है लेकिन product different है. अगर आप एक same need को different product से satisfy करवाने जा रहे हैं तो substitutes वहां पे आ जाते हैं. आपके बुक में तीन examples देता है. Domestic heating system. अब consumer के पास option है कि वो gas fired heating system ले ले, oil fired ले ले, या बिजली से चलने वाला ले ले. अगर गैस महंगी हो रही है तो कस्टमर विल स्विच टू ऑयल फायर्ड हीटिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक फायर हीटिंग सिस्टम. ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर गैस सप्लायर्स जो हैं दे हैव टू देन मेक श्योर कि वो अपनी प्राइसेस को कंट्रोल रखें, या गैस बेस्ड हीटिंग सिस्टम बनाने वाले जो हैं उनकी जो डिमांड है बड़ी इलास्टिक होगी. इट मीन्स कि उनकी जो इंडस्ट्री है वो इतनी कोई अट्रैक्टिव नहीं है कि जैसे ही गैस महंगी होगी कस्टमर फौरन स्विच कर जाएगा टू एनी अदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ट्रांसपोर्ट की मिसाल लें, आप बाय एयर ट्रेवल कर सकते हैं, बाय रोल बाय रोड ट्रेवल कर सकते हैं, बाय रेल ट्रेवल कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बाय एयर भी लोग जाते हैं कराची, और अब डेबू भी जाती है कराची. नाउ दे आर सब्स्टिट्यूट्स. ठीक है, अब जब से डेबू चली है कराची के लिए पीपल ट्रेवलिंग थ्रू एरोप्लेन इफ टाइम इज नॉट द कॉन्स्टेंट. हाँ, अगर टाइम कॉन्स्टेंट है फिर तो डेफिनेटली आप बाय एयर ही जाएंगे, लेकिन अगर टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है आपका, ठीक है ना, अगर टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है देन यू विल डेफिनेटली प्रेफर डेबू. ठीक है, इसी तरह फूड एंड ड्रिंक्स की मिसाल ले लें, बेशुमार सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. चावल नहीं खाएंगे पास्ता खा लेंगे, पास्ता नहीं खाएंगे पोटेटो खा लेंगे. ठीक है, कॉफी एंड टी आर सब्स्टिट्यूट्स. कॉफी नहीं पियेंगे आप टी पी लेंगे. जितने सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं उतना इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है, बिकॉज योर प्रोडक्ट हैज नाउ डिफरेंट ऑप्शंस टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद. आपका जो प्रोडक्ट है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत सारी ऑप्शन है कस्टमर के पास. ठीक है ना. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर. किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो सप्लायर होता है सप्लायर के पास पावर कहाँ से आती है? सप्लायर के पास पावर बहुत सारी सोर्सेस से आती है. इसमें पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं सप्लायर की बार्गेनिंग पावर की.
main sources and char. Okay, fine. Let's talk about a situation. Let's say Microsoft is a supplier to HP, Sony, Acer, Dell, Toshiba, जितने भी लैपटॉप के ब्रांड हैं, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट क्या है? विंडोज? नहीं, अब नहीं है, अब नोकिया बाहर आ गया, अब नोकिया भी आपके एंड्रॉइड पे आ गया। नोकिया ने बड़ी तबाही देख ली माइक्रोसॉफ्ट के साथ करके, ठीक है? खैर, उसको तो बिल गेट्स ने परचेज कर लिया है। Now Nokia is already acquired by Microsoft, but now they have switched to Android operating system. मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो Nokia के नए स्मार्टफोन आ रहे हैं, they are Android based. चेक कर लीजिएगा इसे ऑनलाइन. I'm not sure. लेकिन बड़ा है, heard हो यही है. और देखें, जितनी भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, they are dependent on one supplier, that is Windows. या फिर एक और सप्लायर है इनका, वो है Intel. इंटेल क्या सप्लाई करता है इनको? प्रोसेसर, ठीक है? इंटेल इज सप्लाइंग प्रोसेसर. तो आप देखें, हर लैपटॉप में इंटेल का लगा होता है ना, एवरी लैपटॉप हैज अ प्रोसेसर इंस्टॉल्ड बाय इंटेल. i3, i5, HP है, डेल है. सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है मेनली तीन कंडीशन में, हर चार भी है, लेकिन खैर हम तीन डिस्कस कर लेते हैं. नहीं, मैक तो एप्पल का अपना है ना, मैक ओएस, वो तो एप्पल का अपना है और वो यूज भी सिर्फ एप्पल में ही होता है. इसलिए तो मैक ने सप्लायर की पावर रखी नहीं हुई बार्गेन करने की, कि मैक ने ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना बनाया है. मैक तो एप्पल जो है वो तभी तो इस चीज को अवॉइड करता है. एप्पल डिडंट अलाउ द सप्लायर टू बार्गेन. एप्पल डिडंट यू नो डोंट अलाउ सप्लायर टू बार्गेन, ठीक है? एप्पल अलाउ नहीं करता सप्लायर को बार्गेन करने में. चार कंडीशंस होती हैं. नंबर वन, सप्लायर्स आर वेरी फ्यू. नंबर टू, सप्लाइड प्रोडक्ट हैज नो सब्स्टिट्यूट. नंबर थ्री, सप्लाइड प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट. ये तीन बुनियादी कंडीशंस हैं जिसकी बेस पे सप्लायर की पावर ऑफ बार्गेनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. और ये तीनों कंडीशंस आप देखें, इस इन दोनों केसेस में अप्लाई हो रही. माइक्रोसॉफ्ट वाहिद एक ही दुनिया की मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी है, हर लैपटॉप विंडो इंस्टॉल करके बिकता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. विंडो का सब्स्टिट्यूट क्या है आपके पास? डिफरेंट लिनक्स है, यूनिक्स है, लेकिन वो इन जो ओएस हैं, वो जो सिस्टम है, वो यू नो बड़े यू नो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है. फॉर अ कंज्यूमर विंडो हैज नो सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना? विंडो ही आपने यूज करनी है. और सप्लाइड प्रोडक्ट जो है, अगेन देखें, मैं अभी मैक एप्पल को मैं काउंट नहीं कर रहा इस बहस में, क्योंकि मैक इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज अ यूनिवर्सल ओएस. मैक आप देखें, डेल पे चलता है मैक? नहीं चलता ना. मैक सिर्फ एप्पल पे चलेगा. तो विंडो जो है, दैट इज द प्राइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मेजॉरिटी मशीन्स, लैपटॉप्स अवेलेबल. ये आपके सामने जो मेरी स्क्रीन आ रही है, ये भी तो विंडो ही है ना, दैट इज आल्सो विंडो. विंडो 10 है ये, ठीक है? सॉरी, विंडो 8 है, विंडो 8 है. इसी तरह सप्लाइड प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एंड प्रोडक्ट. लैपटॉप विदाउट विंडोज नहीं बिकता, लैपटॉप विदाउट प्रोसेसर नहीं बिकता. तो प्रोसेसर और विंडो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड प्रोडक्ट का. जब ये तीन कंडीशन मीट हो जाती हैं, तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बेबहा बढ़ जाती है, जैसे हम अपनी जबान में कहते हैं अन्यवा बढ़ जाती है. सप्लायर की बार्गेनिंग पावर जो है, दैट नो रिमार्केबली इंक्रीजेस, दैट इंक्रीजेस रिमार्केबली. गॉट इट? दैट इज हाउ सप्लायर हैज स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर. एग्जैक्टली, यस, अदर वे अराउंड यू कैन से दैट. ओके, so in some industry, competitive position of business might be affected by bargaining strength of the supplier.
क्योंकि जब ऐसा होता है तो सप्लायर अपनी मर्जी की प्राइसेस चार्ज करता है और आपके पास इतना ऑलरेडी कंपटीशन है कि आप वो प्राइस आगे कस्टमर को पास नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इतने सारे ब्रांड्स हैं, एचपी है, सोनी है, डेल है, अगर माइक्रोसॉफ्ट इन्हें विंडो महंगी बेच रहा है तो ये ज्यादा प्राइस आगे कस्टमर को पास नहीं करेंगे ना, ये फिर अपने प्रॉफिट्स कम कर लेंगे। एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल दिया मैंने आपको जो अभी हमने डिस्कस किया है पर्सनल कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट हैव कंसिडरेबल पावर ओवर द पीसी मार्केट, ठीक है। तीन वजूहात जो आपको बताई हैं, फ्यू नंबर ऑफ सप्लायर्स, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ सप्लायर प्रोडक्ट, एंड सप्लायर प्रोडक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एंड प्रोडक्ट। जब ये तीन कंडीशन पूरी होती हैं तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर रिमार्केबली बढ़ जाती है, शूट कर जाती है। यहां तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन सो फार? यहां तक कोई सवाल? वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर सो फार? चलिंग ग्रेट ग्रेट। कस्टमर की बार्गेनिंग पावर और राइवलरी, ये हम फिर कल पे उठा कर रखते हैं, इसे हम कल करते हैं इंशाल्लाह। कल हम इस चैप्टर को कंक्लूड करके कल हम इसी चैप्टर के पास पेपर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे द वे वी डिड फॉर द फर्स्ट चैप्टर, अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट, पिछली 9 की 9 अटेम्प्ट के मुताबिक मैं आपको इस चैप्टर के सारे पास पेपर क्वेश्चन जो है वही रिव्यू कराऊंगा एंड देन वी विल सी कि आप जी जी कल होगी क्लास इंशाल्लाह, कल सैटरडे कल क्लास होगी 2:45 बजे 1:45 पे होगी इंशाल्लाह। और कल हम देखेंगे कि अभी तक इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने बाकी हैं, ठीक। एंड देन वी विल सी कि आपके अटेम्प्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग अटेम्प्ट। इस दफा आपकी जो अटेम्प्ट उसके लिए 5-4 से सबसे इंपॉर्टेंट है, ये खैर मैंने पहले भी अनाउंस किया है दोबारा भी कर रहा हूँ, आपकी जो अटेम्प्ट है उसके लिए 5-4 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट। हो गई जी, देन कल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।